सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप देख ही पा रहे होंगे कि हम सिल्क साड़ी ड्रिपिंग आज देखेंगे, जो कि किसी पार्टी फंक्शन के लिए होगी। और साथ ही साथ अगर आप थोड़े से हेल्दी है सो उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताना चाहूँगी, जिसके चलते आपका साड़ी में जो लुक है वो स्लिम ट्रिम और एक परफेक्ट लुक यहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले हम साड़ी देख लेते हैं कि साड़ी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। और ये जो सिल्क की साड़ी है सो ये थोड़ी सी रफ़ है और हेवी है। यहाँ पर इसका जो पल्लू वगैरह का पोर्शन है आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसको इस तरीके के ब्यूटीफुल से टैजल्स भी दिए हुए हैं और साड़ी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। साड़ी की जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो इस तरीके की हेवी साड़ीज़ हम अक्सर किसी पार्टी फंक्शन के लिए वेयर करना पसंद करते हैं। इसको इस तरीके का ब्लाउज पीस भी दिया हुआ है जो कि मैंने निकाला नहीं है। अब यहाँ पर ब्लाउज पीस का जो पोर्शन था वो मैंने अंदर की तरफ से मरोड़ लिया था, उसके बाद में मैंने हील्स भी वेयर कर ली है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो पोर्शन है हम टक इन करते हैं, तो यहाँ पर एक सेफ्टी पिन हम ज़रूर लगा लेंगे। कमर के चारों तरफ से हमें अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन टक इन कर लेना है, नहीं तो पीछे से हम टक इन नहीं करते हैं, फैब्रिक थोड़ी सी नीचे हो जाती है या फिर ऊपर हो जाती है, जिसके चलते एक अच्छा लुक हमारा फाइनल नहीं आ पाता है। सो सबसे पहले चारों तरफ से कमर में अच्छी तरीके से टक इन ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद में हम चलेंगे हमारे पल्लू के पोर्शन की तरफ। सो पल्लू का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा गैदर कर लेंगे और गैदर करके पीछे से सामने की तरफ लेकर आएंगे। अभी यहाँ पर ये वाला जो ऊपर का कॉर्नर है इसको अब मैं बेली बटन के नीचे टक इन करना चाहूँगी इस तरीके से। ये वाली जो ट्रिक है पल्लू बनाने के लिए बहुत ही आसान होती है। सो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा अभी बॉर्डर दिया हुआ है उसके हिसाब से अब हम यहाँ पर प्लीट्स को अरेंज करेंगे। अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो थोड़ी चौड़ाई में भी आप प्लीट्स अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप जितना इसको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन बनाते हैं, चौड़ाई में अगर आप कम भी रखते हैं लेकिन जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं ऊपर की तरफ शोल्डर पर, तो वो अच्छी तरीके से अगर हम लगाएंगे तो आपका जो लुक है वो टॉल दिखाई देने में और स्लिम दिखाई देने में हेल्प होती है। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से बना लेंगे। और एक दूसरी बात कि अगर हम हेवी हैं या फिर थोड़े से हेल्दी हैं और हमें अच्छा लुक चाहिए, तो यहाँ पर साड़ी की जो लेंथ वगैरह होती है वो भी आप अच्छी तरीके से नाप लीजिएगा, क्योंकि अक्सर साड़ी कम पड़ जाए तो भी अच्छी नहीं दिखाई देती है। साड़ी की जो चौड़ाई में लेंथ आती है वो भी थोड़ी सी बराबर आनी चाहिए, यानी कि हम हील्स वेयर कर लेते हैं तो नीचे की तरफ फ्लोर को टच करते हुए ज़रूर रखनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर अगर हम वेयर करते हैं तो अच्छा लुक नहीं दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल भी हमें इसमें नहीं लगेगा। इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, पल्लू को जो प्लीट्स वगैरह है वो हम अच्छी तरीके से अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने के बाद यहाँ पर सेफ्टी पिंस लगाकर अच्छे से सेट भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ जो पल्लू का पोर्शन है वो भी हमें अच्छी तरीके से बना लेना है। अभी देखिएगा ऊपर के जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं उसको हम कंधे के ऊपर रख देंगे लेफ्ट साइड की तरफ, और इस तरीके से नीचे से जो प्लीट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर अब हम अरेंज कर लेंगे। चौड़ाई में आप देख सकते हैं कि कुछ इतना ही पोर्शन हमने रखा हुआ है, ज़्यादा बड़ी चौड़ाई में या फिर थोड़ा सा कम, ज़्यादा भी कम नहीं रखेंगे, कम भी रखेंगे लेकिन उसको अच्छी तरीके से सेट करना ज़रूरी होता है। सो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, सारा जो पल्लू है, पल्लू का पोर्शन जो है लंबाई में हम अच्छी तरीके से बना लेंगे। और आपको आपकी हाइट अगर थोड़ी सी कम है तो आपको टॉल दिखना है, तो पल्लू का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा लंबाई में बड़ा ज़रूर रखिएगा, यानी कि घुटने से नीचे तक ज़रूर रखना है। कुछ इस तरीके से लंबी लेंथ में नीट एंड क्लीन पल्लू का पोर्शन हम बना लेंगे, घुटने से नीचे तक पल्लू का पोर्शन ज़रूर रखेंगे। अब शोल्डर पर जब हम पिन लगाते हैं तो एकदम ऊपर की तरफ ना लगाएं, कुछ इस तरीके से फोर फिंगर छोड़ देंगे और नीचे की तरफ हम ब्लाउज़ के साथ में इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर हम ऊपर शोल्डर की तरफ लगाते हैं पिन को तो पल्लू भी एक तरफ झुकने लगता है और शोल्डर पर पिन लगाई हुई होती है सो ज़्यादा यहाँ पर चुभने भी लगती है। यहाँ पर सामने की तरफ अब देखिएगा इस तरीके से नीचे के जो बॉर्डर है उसको हम लेफ्ट हैंड में इस तरीके से राइट हैंड में ले लेंगे और यहाँ पर देखिएगा ये वाली जो बॉर्डर है अगर ज़्यादा गले की तरफ चढ़ रही है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ शोल्डर पर, और यहाँ पर ट्विस्ट करने के बाद एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे। तो
तो ज़्यादा हमें नीचे की तरफ इस पोर्शन को नहीं रखना है, शोल्डर पर ऊपर की तरफ रखेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद ये वाले जो प्लीट्स वगैरह हमने अरेंज किए हैं इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हमें रखना है। अब देखिएगा लेफ्ट साइड से भी हमारा जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंफर्टेबली अच्छी तरीके से सेट होना चाहिए। ये वाली जो बॉर्डर है पीछे से हम सामने की तरफ खींचेंगे, जिसके चलते पीछे से भी हमें अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा और अच्छी तरीके से पल्लू हमारा सेट भी हो जाएगा। सामने की तरफ से हमें अच्छी तरीके से प्लीट्स को अरेंज कर लेना है, यानी कि जो बॉर्डर है हमारी पल्लू की वो राइट साइड की तरफ ना भागे, जिसके चलते हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल लगता है, ज़्यादा दिखाई देता है और पल्लू एक तरफ भागने लगता है। सो ऐसा ना हो इसलिए हमें ये वाली जो बॉर्डर है राइट साइड के घुटने की तरफ थोड़ी सी रखनी होगी, और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेंगे। और इस तरीके से सेट करने के बाद थोड़ा सा हाथ से हमें कुछ इस तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। आप जिस तरीके से इसको नीट एंड क्लीन बना लेते हैं तो नीट एंड क्लीन फाइनल लुक हमारा आने में भी हेल्प होगी। सो अच्छी तरीके से सारे प्लेट्स को हमें यहाँ पर अरेंज कर लेना है कुछ इस तरीके से। देखिएगा यहाँ पर वन बाय वन प्लीट्स हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वाली जो बॉर्डर है आप देख ही सकते हैं कि लेफ्ट साइड से हमें अभी खींचनी है। अब खींचने के बाद यहाँ पर देखिएगा पीछे से भी हमें अच्छी तरीके से इसको खींच लेना होगा। जो भी फैब्रिक होगी पीछे से भी यहाँ पर अनइवन फैब्रिक होगी वो भी हम सामने की तरफ लेकर आएंगे। इसको अच्छे से हमें इस तरीके से खींचना है, और खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से राइट वाले पैर पर एक सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर लेंगे। सेफ्टी पिन लगाकर हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक बात हमें ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि अगर टमी का पोर्शन निकला हुआ है तो वो भी यहाँ पर हाइड हो जाता है इस वाले ट्रिक से। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से आपको सिर्फ लेना पड़ेगा बॉर्डर को। अब हम क्या गलती करते हैं कि जो प्लीट्स हैं हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, छोटी छोटी प्लीट्स बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और चौड़ाई में नहीं है ज़्यादा लंबी। सो इस तरीके से प्लीट्स बनाते हैं तो नीचे अंदर की जो फैब्रिक है वो इस तरीके से पलट जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लपीनेस यहाँ पर आ जाता है। अच्छी तरीके से प्लीट्स ये सेट नहीं होती है। तो क्या करना है, बेली बटन तक फैब्रिक को छोड़ देंगे, बाद में कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है लंबाई में प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। सो इस तरीके की हेवी साड़ीज़ है, सिल्क की साड़ीज़ है, तो उसको ज़रूर इसी तरीके से बनाइएगा, थोड़ी सी चौड़ी प्लीट्स बनाइएगा, जिसके चलते दो प्लीट्स के बीच में जो फैब्रिक होगी वो एक जैसी बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर एक प्लीट का फैब्रिक पीछे की तरफ ज़रूर छोड़ना है। छोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सारी प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। इसी तरीके से प्रेस करना है। देखिएगा यहाँ पर जो फैब्रिक होती है वो थोड़ी हेवी होती है, रफ होती है, जिसके चलते प्लीट्स अच्छी तरीके से अरेंज नहीं हो पाती हैं। अब जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हुए हैं इन सारी प्लीट्स को हमें क्या करना है, वन बाय वन अरेंज करना है, ना कि इकट्ठा यहाँ पर टकिंग करना है। अगर टमी का पोर्शन निकला हुआ है तो अगर आप इसको इसी तरीके से टकिंग करेंगे तो देखिएगा बहुत ज़्यादा टमी का पोर्शन निकला हुआ दिखाई देता है, जिसके चलते लुक एकदम से अच्छा नहीं आएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लफीनेस हमारी साड़ी में भी आएगी। सो वन बाय वन प्लीट्स को अरेंज करेंगे, यहाँ पर एक पिन लगाएंगे। सो पिन भी हमें एकदम से कॉर्नर पर नहीं लगानी है, थोड़ा सा पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगानी है। और लगाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे का जो फैब्रिक है उसको भी सेट करना ज़रूरी होगा, जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं, नहीं तो ये वाली जो फ्लफीनेस है और साड़ी का जो लुक हमारा आएगा फाइनल वो अनइवन दिखाई देगा। सो हम यहाँ पर किसी की हेल्प ले सकते हैं, अगर आपके साथ पास में कोई नहीं है तो आप खुद भी प्लीट्स बना सकते हैं। सारी प्लीट्स को वन बाय वन कुछ इस तरीके से पहले से अरेंज कीजिएगा, अंदर की तरफ दोनों प्लीट्स के अंदर बराबर फैब्रिक छोड़िएगा, और कुछ इस तरीके की जो पिन्स आती है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पर बीच में लगा ली और हाथ से प्रेस कर लिया तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो अपने आप में बन जाती हैं, आपको किसी के हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हमारे सारी जो प्लीट्स हैं उसको अरेंज कर लेंगे वन बाय वन। नीचे भी हम एक पिन लगा सकते हैं या फिर आप पैर के नीचे भी ये फैब्रिक को इस तरीके से रख सकते हैं। ये सारी प्लीट्स को अरेंज करने के बाद यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है, दो पिन का इस्तेमाल किया है, और अच्छी तरीके से इसको मैं हाथ से प्रेस करूँगी
और जितना आप अच्छी तरीके से इसको नीट एंड क्लीन करते हैं और फ्लफीनेस जो है इसकी कम हो जाएगी। अब अंदर की तरफ जो फैब्रिक हमने छोड़ी है, देखिएगा इसको हम राइट हैंड से कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्विस्ट करके कमर में टक इन करेंगे राइट साइड की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या गलती करते हैं, ये पिन हमने लगाई है तो ये पिन लगाई हुई फैब्रिक नहीं खींचनी है, इसके ऊपर से हमें ये फैब्रिक लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर की तरफ से फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड से आप कुछ इस तरीके से इन प्लीट्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करने के बाद इन प्लीट्स को हमें, इस फैब्रिक को हमें अच्छे से खींचना है और इसको राइट साइड की तरफ टक इन कर देना है। बाद में जो सामने की तरफ हमारे प्लीट्स बन चुके हैं, इन सारे प्लीट्स को अब हम बेली बटन के नीचे टक इन करेंगे, ना कि ज़्यादा राइट साइड में ना ही ज़्यादा लेफ्ट साइड में, ज़्यादा ही लेफ्ट साइड में रखेंगे तो जो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड से प्लीट्स वगैरह अभी अरेंज किए हैं वो दिखाई नहीं देते हैं और प्लीट्स भी हमारे एक तरफ भागने लगती हैं, या फिर ज़्यादा राइट साइड में हो जाएगी या फिर ज़्यादा लेफ्ट साइड में हो जाएगी। इसीलिए बराबर बेली बटन के नीचे हम इसको टक इन करेंगे। बाद में यहाँ पर एक पिन लगाई है तो ये पिन हमें अंदर का जो फैब्रिक है उसके साथ में ज़रूर लगानी है, उसको भी इसमें ज़रूर लेना है। अब देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे प्लीट्स अरेंज हो चुके हैं, हमारे लेफ्ट साइड का पोर्शन भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर टमी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम से हाइड हो चुका है और फ्लैट भी दिखाई दे रहा है। प्लीट्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज हो चुके हैं, बॉर्डर भी, और जो पिन हमने ऊपर की तरफ लगाई है वो भी कुछ आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्टली नीट एंड क्लीन लुक हमारी प्लीट्स का यहाँ पर अरेंज हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारी यहाँ पर जो प्लीट्स हमने अरेंज किए हैं उसकी तरफ। ये वाली जो बॉर्डर होती है, अगर आप ज़्यादा राइट साइड की तरफ ये भाग रही है देख सकते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम फ्रंट प्लीट्स बनाते हैं तो ये फैब्रिक पीछे से खींचने लगती है जिसके चलते ये राइट साइड में ज़्यादा जाती है। सो इस तरीके से इन सारी प्लीट्स को भी अरेंज कर लेंगे। अगर हमारा राइट साइड का लेफ्ट साइड का जो पोर्शन होता है अभी, सो ये दिखाई दे रहा होगा एक तरफ से, यहाँ से कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो ऊपर की बॉर्डर है इसके अंदर की तरफ जो प्लीट है ये वाली, इसको अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो बॉर्डर है उसके नीचे से जो सेंटर प्लीट्स हमने बनाई हैं उसको एक पिन के साथ में अटैच करना है और ऊपर की जो बॉर्डर है इसके ऊपर हम रख देंगे और बाद में इसको थोड़ा सा अच्छे से नीट एंड क्लीन बना लेंगे सारी प्लीट्स को। हाथ से भी हम अच्छी तरीके से इन सारी प्लीट्स को अरेंज कर लेंगे और फाइनल जो लुक होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। आप देख सकते हैं एकदम से परफेक्टली नीट एंड क्लीन रेप हमारी यहाँ पर बन चुकी है। प्लीट्स वगैरह पीछे से भी आप देख सकते हैं एकदम से नीट एंड क्लीन हमारा ड्रेप यहाँ पर बन चुका है। इस तरीके की साड़ीज़ में अक्सर अगर आप कुछ वेस्ट बेल्ट का वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी मैंने दिखाया हुआ है कि वो भी आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये लुक पसंद आई होगी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।